मेयर ऑफ ईस्ट टाउन एपिसोड 3। सेकेंड एपिसोड में हमने देखा कि हर कोई सस्पेक्ट है, मगर एपिसोड खत्म होते होते हमें महसूस होने लगा कि लोग सस्पेक्ट तो नहीं है, मगर हर किसी का कोई ना कोई सीक्रेट ज़रूर है जिसे वो राज ही रखना चाहता है। एपिसोड 3 का टाइटल है एंटर नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि केनी ने डिलन को 2 गन शॉट फायर किए थे। इस एपिसोड में केनी खुद को मेयर के हवाले कर देता है और डिलन की हत्या का जुर्म कबूलता है, मगर मेयर केनी को बताती है कि डिलन जिंदा है और अब अस्पताल में है। अब इस सीरीज में केनी ज़्यादा नज़र नहीं आने वाला। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में केनी लॉकअप में ही रहेगा। डिलन जिसे गोली लगी थी वो धीरे धीरे हॉस्पिटल में रिकवर करेगा और उसकी कहानी का फोकस शिफ्ट होकर एरिन के बेटे डीजे का बाप होने पर हो जाएगा। उसका पेटर्निटी टेस्ट होगा और डिलन के मन में कई उलझने पनपने लगेगी। मेयर डिलन के माँ बाप को डिलन का पेटर्निटी टेस्ट कराने को कहती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एरिन की बेस्ट फ्रेंड जेस लॉरी के घर आती है और लॉरी को बताती है कि एरिन के बेटे डीजे का असली बाप शायद फ्रैंक है, जो मेयर का एक्स हस्बैंड भी है। ये बात सुनकर लॉरी मेयर के घर आती है। मेयर की दिक्कतें बढ़ रही थी। मेयर की माँ हेलेन को लग रहा था कि केविन का बेटा ड्रू की फुल कस्टडी शायद ड्रू की माँ कैरी को मिल जाएगी। मेयर ड्रू को खुद से अलग नहीं करना चाहती थी। उसी बहस के बीच में लॉरी आती है और मेयर की उलझने और बढ़ा देती है। लॉरी मेयर को बता देती है कि जेस को लगता है कि डीजे का असली बाप फ्रैंक है। मेयर गुस्से में तिलमिलाकर फ्रैंक के घर जाती है। फ्रैंक अपनी होने वाली बीवी और उसके बच्चों के साथ बैठा हुआ था। मेयर की बेटी शियोबान भी मौजूद थी। मेयर फ्रैंक को बाहर बुलाती है और फ्रैंक से ब्लंटली पूछती है कि क्या उसका एरिन के साथ कोई अफेयर था। शियोबान भी बाहर आकर दोनों की बातें सुनती हैं। फ्रैंक मेयर को डटकर जवाब देता है कि उसका एरिन के साथ कोई अफेयर नहीं था, वो बस अकेली एरिन की मदद करता था कुछ सामान खरीदने में। मेयर फिर ब्लंटली पूछती है कि क्या फ्रैंक पेटर्निटी टेस्ट करवाएगा। फ्रैंक फिर डटकर जवाब देता है कि उसे किसी बात का डर नहीं है, ना पेटर्निटी टेस्ट करवाने का और ना केविन की मौत के बारे में बात करने का। केविन की बात सुनकर मेयर अपसेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फ्रैंक अगले दिन कॉलिन को अपना स्टेटमेंट देता है और पेटर्निटी टेस्ट करवाता है। फ्रैंक को देखकर यकीन हो जाता है कि यह सच बोल रहा है, उसका एरिन के साथ कोई गलत संबंध नहीं था। एरिन की बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। डॉक्टर मेयर को बताता है कि एरिन की मौत रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुई थी। मारते वक्त हत्यारे ने एरिन के साथ कोई मारपीट नहीं की थी और ना ही सेक्सुअल असॉल्ट किया था। बचाव के दरमियान बंदूक की गोली से एरिन की एक उंगली कट गई थी। मेयर और कॉलिन एक दूसरे से पूरे सिनेरियो पे बात करते हैं। मेयर कहती है कि रात को एरिन के झगड़े के बाद किसी ने भी गन शॉट की आवाज़ नहीं सुनी थी। इसका मतलब है कि हत्यारे ने एरिन को किसी दूसरी जगह ले जाकर गोली मारी होगी और फिर लाश को नदी किनारे लाकर डंप किया होगा। एक और चीज़ जिस पर ध्यान नहीं गया वो था एरिन का पिंक रंग का बाइसाइकिल जो गायब था। इस एपिसोड में एक सस्पेक्ट मिलता है जो ईस्ट टाउन शहर के चर्च के फादर डीकन मार्क था। मेयर का भाई डीकन मार्क का दोस्त भी था। डीकन मार्क एक सस्पेक्ट इसलिए बना क्योंकि मरने से पहले एरिन ने उसे फ़ोन किया था। मेयर के पूछने पर डीकन मार्क बताता है कि एक पैस्टर होने के नाते उसका काम था लोगों की तकलीफें सुनना। एरिन चर्च के एक यूथ प्रोग्राम में शामिल थी और अक्सर डीकन को फ़ोन करके कंसल्ट करती थी। मरने से पहले एरिन ने डीकन को फ़ोन करके अपनी तकलीफ बताई थी कि ब्रियाना ने उसे पीटा था। बस इतनी ही बात हुई थी। डीकन मार्क का एक अतीत भी था। ईस्ट टाउन में आने से पहले डीकन मार्क पर एक लड़की के साथ अवैध संबंध होने की चर्चा थी। डीकन मार्क में कुछ सस्पिशियस ज़रूर था। वो जितना ऑनेस्ट दिख रहा था उतना शायद था नहीं। एपिसोड खत्म होते होते हमें एक क्लिफ हैंगर दिखाया जाता है। डीकन मार्क अपनी कार की डिक्की से एरिन का पिंक रंग का बाइसाइकिल निकालता है और नदी में फेंक देता है। इस एपिसोड में कई साइड स्टोरीज दिखती हैं। शेवान अपने भाई केविन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रही थी।
हमें केविन को देखकर समझ आता है कि केविन मानसिक रूप से कमज़ोर आदमी था। शोबान को लगता है कि उसकी माँ मेयर को खुद से शर्म आती थी कि केविन एक नॉर्मल लड़का नहीं था। दूसरी साइड स्टोरी थोड़ी अजीब थी। मेयर को एक बुज़ुर्ग दंपति फ़ोन करके बताते हैं कि कोई उन्हें बाहर से झांकता है। ये वही दंपति हैं जिन्हें हमने एपिसोड 1 में देखा था। बूढ़ी औरत का नाम बेटी है। बेटी मेयर को दिखाती है कि उनके घर के बाहर केबिन में किसी ने अभद्र बातें लिखी हुई हैं। कैमरा एंगल ऐसा होता है कि देख के लगता है कि वो केबिन कुछ खास है। एक और साइड स्टोरी दिखती है, रिचर्ड और मेयर का रोमांस। दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। रिचर्ड अपनी एक्स वाइफ और बच्चे के बारे में बताता है। मेयर भी अपने पापा के बारे में बताती है कि कैसे वो अपने पुलिस ऑफिसर पापा से इंस्पायर्ड होकर खुद एक पुलिस ऑफिसर बनती है। कि मेयर के पापा दुनिया से चल बसे थे जब मेयर की उम्र केवल 13 साल की थी। ऐसा भी हो सकता है कि रिचर्ड एक सीरियल किलर हो, एक शांत चार्मिंग इंटेलेक्चुअल सीरियल किलर। एपिसोड खत्म होते होते हमें कॉन्फिडेंट शार्प मेयर का रूप फिर से दिखता है जब वो एरिन पे चलने वाली गोली को पेड़ के टहनी में खोज लेती है और एरिन की कटी हुई उंगली भी पार्क में खोज लेती है। गोली और उंगली एक पार्क में ही मिलती है जो उस जगह से 13 मील दूर थी जहां से एरिन की लाश मिली थी। मगर कॉन्फिडेंट मेयर के रूप को देखने के बाद हमें कमज़ोर मेयर का भी रूप नज़र आता है जब मेयर ड्रू की माँ कैरी से मिलती है। कैरी मेयर को बहुत कड़वी बातें कहती हैं केविन से रिलेटेड, और मेयर को धमकी भी देती है कि ड्रू की कस्टडी वही रखेगी। मेयर का कमज़ोर हिस्सा गलत रास्ता अख्तियार करता है। मेयर अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाकर एविडेंस रूम से हेरोइन निकालकर कैरी के कार में रख देती है, मगर मेयर का चीफ उसकी ये हरकत तुरंत पहचान जाता है। मेयर का चीफ अब्यूज़ ऑफ पावर के इल्ज़ाम में मेयर को एडमिनिस्ट्रेटिव लीव दे देता है और मेयर का बैज और गन अपने पास रख लेता है। मगर चीफ इस बात को राज रखता है और ईस्ट टाउन शहर को कुछ भी नहीं बताता। चीफ की एक शर्त थी मेयर के साथ कि मेयर एक साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करेगी और थेरेपी सेशन लेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।